आज की क्लास हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में आज की क्लास हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आज की क्लास हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन से क्लास को स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले हम इस बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम किसी भी टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पर कोई भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूं। पहले हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। उसके बाद हम यहां पर किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें किसी ने 5,000 रुपीज दिए, मान लीजिए हमें किसी ने 5,000 रुपए दिए हैं और हमसे कहा गया है कि भाई हमारी महीने की जितने भी एक्सपेंडिचर हैं या हमारे महीने की जितने भी नीड्स एंड वांट्स हैं उन्हें हमें सिर्फ ये 5,000 रुपए से पूरा करना है। भाई हमें 5,000 रुपए दिया गया और हमसे कहा गया है कि आपके महीने की जितनी भी जरूरतें हैं उन्हें आपको सिर्फ ये 5,000 रुपीज से पूरा करना है। तो यहां पर हमारे पास एक बहुत लिमिटेड पैसा हमको दिया गया है, सीमित पैसे हमको दिए गए हैं। अनलिमिटेड पैसा तो नहीं दिया गया जिसे हम वेस्ट करके खत्म कर सके। एक बहुत लिमिटेड पैसा हमको दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हम इस लिमिटेड पैसों से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करें। तो लिमिटेड होने के कारण यहां सबसे पहला काम मैं करूंगी क्या, सबसे पहला काम मैं यहां करूंगी इन 5,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से। यानी जिस एरिया में मुझे ज्यादा खर्चा करना होगा वहां मैं ज्यादा करूंगी या जिस एरिया में मुझे कम खर्चा करना होगा वहां मैं कम करूंगी, ताकि इन 1,000 रुपए से या 5,000 रुपए से मैं अपनी सारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकूं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे पास पैसे होने से लेकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से करना और इसे खर्चा करना, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यानी जो भी पैसा हमको दिया गया है उन पैसों का लिमिटेड होने के कारण उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एलोकेशन इतनी अच्छी तरीके से करना ताकि हम उससे अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहेंगे। अब ये तो था इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप सबके सामने। अगर हम इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करते हैं, एक्चुअली इकोनॉमिक्स हमसे क्या कहती है, तो इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन हमसे कहती है हमारे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मींस होता है संसाधन, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं अपनी किसी भी तरीके की जरूरत को पूरा कर रही हूं वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे गर्मी लग रही है, मैंने यहां पर एसी ऑन करवा दिया तो एसी मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस कमरे में अंधेरा है, मैंने यहां पर लाइट ऑन करवा दी तो लाइट हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। यानी इकोनॉमिक्स हमसे कह रही है कि हमारी जो भी इकोनॉमी में संसाधन है यानी रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्केयर्स है। स्केयर्स यानी होता है सीमित यानी कम है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करते हैं अपने इंडिया के लोगों की और अपने इंडिया के लोगों की नीड्स एंड वांट्स की, तो हमारे इंडिया में जो लोग हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स कह रही है भाई इंडिया में जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें अनलिमिटेड है,
असीमित मांगे हैं लोगों की, लोगों की असीमित मांगों को पूरा करने के लिए लोगों के पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, यानी कम है। तो इकोनॉमिक्स कह रही है इन लिमिटेड रिसोर्सेस का एलोकेशन, एलोकेशन मतलब बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी तरीके से करना ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को हम सैटिस्फाई कर सके। यानी लिमिटेड रिसोर्स को इतनी अच्छी तरीके से आप बांटो ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स सैटिस्फाई हो सके, पूरी की जा सके। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये था इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप सबके सामने, और ये हमारा इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपैरिजन में हम क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि यहां पर इस एग्जाम्पल में मुझे मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या दिया गया है, ये 5,000 रुपए दिए गए। मुझे इन जरूरत को पूरा करने के लिए लिमिटेड पैसा यानी 5,000 रुपए दिए गए, तो 5,000 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्स हो गया। 5,000 रुपए को मैं बांट रही हूं, 5,000 रुपए को मैं बांट रही हूं ताकि मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। इन द सेम वे हम इकोनॉमिक्स में जितने भी लिमिटेड रिसोर्स हैं उसे बांट रहे हैं ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को सैटिस्फाई कर सके। तो उन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहेंगे। अब यहां पर अगर आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को ध्यान से सुना और समझा है तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि हमारे इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, यानी एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल जो अगर मौजूद ना हो तो हमारे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और उस बेसिक से, उस छोटे से प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो हम मानते हैं वो इसी बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है जिसे हम कहते हैं मांग और पूर्ति। यानी अगर हमारे इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन मौजूद ना होगा तो हमारे इकोनॉमिक्स में सेल एंड परचेज नहीं होगी, और अगर हमारे इकोनॉमिक्स में सेल एंड परचेज ही नहीं होगी तो हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अब ऐसा मैं आप सबसे क्यों कह रही हूं, ऐसा मैं आप सबसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से आप देखिए तो अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को आप गौर से देखकर अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स कह रही है लिमिटेड रिसोर्स को बांटो, इकोनॉमिक्स हमको यही समझा रही है, तो आखिरकार लिमिटेड रिसोर्स को बांटने की वजह क्या है, आखिरकार लिमिटेड रिसोर्सेस को क्यों बांटा जा रहा है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर होगा, लिमिटेड रिसोर्स को बांटने की वजह यह है कि हमारे इंडिया में, हमारे राष्ट्र में जो लोग हैं उनकी कुछ क्या है, मांगे हैं, यानी उनकी कुछ क्या है, डिमांड्स हैं, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए उनको जरूरत किस चीज की पड़ती है, सप्लाई की, और इस सप्लाई को क्रिएट करने के लिए उनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है यानी सीमित संसाधन है। अच्छा, वो लिमिटेड रिसोर्स को बांटी इस वजह से रहे हैं ताकि लोगों की मांगों को पूर्ति देकर क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अब आप खुद सोचिए एक बार, अगर यही मौजूद ना हो, यानी अगर इंडिया में जो लोग हैं उनकी कुछ मांगे ही ना हो तो क्या उन्हें सप्लाई की जरूरत होगी, नहीं होगी। और अगर उन्हें सप्लाई की जरूरत ही नहीं होगी तो क्या वो बेवजह अपने लिमिटेड रिसोर्स को बांटने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। और इसीलिए इकोनॉमिक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, क्या कहा मैंने, इकोनॉमिक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए अगर उसमें डिमांड और सप्लाई का फंक्शन मौजूद ना हो। अगर डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति है तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और तभी हमारी इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है।
तो आई होप सो आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि अर्थशास्त्र मतलब क्या है और अर्थशास्त्र के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है. दैट इज नोन एज क्या है बेसिक प्रिंसिपल, मांग और पूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई. अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहां पर बात करते हैं कि ये चीज हमको समझाने का काम किसने किया. भाई हमने तो पढ़ लिया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है लिमिटेड रिसोर्सेस को बांटना, सीमित संसाधनों को बांटना. तो आखिरकार हमको ये डेफिनेशन देने का काम किसने किया, आखिरकार किसने हमको बताया कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं. तो याद रखिएगा हमारी इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही फेमस बुक से जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन. और इस बुक को लिखा था एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था एडम स्मिथ. दैट्स व्हाई आज भी कभी भी आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता के बारे में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिए कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिए कौन है, एडम स्मिथ है. क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ ने हमको ये बुक लिख कर दी थी जिस बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन. और इस बुक को लिखा था एडम स्मिथ ने 1776 में. और इसीलिए कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ कहे जाते. क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिक्स आप में से अगर कोई भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हो है तो आप लोग ये बात समझते हैं और जानते हैं कि हमारी अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है. इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. हमारी अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है. और अर्थशास्त्र के दो हिस्से क्या हैं? एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो हिंदी में इसको कहते हैं व्यष्टि. और एक को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. हिंदी में इसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र. माइक्रो और मैक्रो यानी व्यष्टि और समष्टि. अब यहां बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहां पर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अगेन डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से ही क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्यों ना एक छोटा सा एग्जांपल फिर से लिया जाए और समझा जाए कि माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस यानी समष्टि और व्यष्टि के बीच का डिफरेंस क्या होता है. तो फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो क्या हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए हम अपने क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और आप सारे स्टूडेंट्स के बात कर रहे हैं. जैसे जितने भी कमेंट्स चल रहे हैं, सचिन, नवनीत, अमन, धर्मेंद्र, सत्यजीत, रजत, आशुतोष, कमलकांत, हम आप सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबको एक स्टेटमेंट देती हूँ कि भाई इस क्लास के नजरिए से, इस क्लास के अप्रोच से आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली मैं उसके बारे में जानकारी ले रही हूं, हर एक स्टूडेंट से मैं इंडिविजुअली पूछ रही हूं कि भाई आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, आपका क्या नाम है, आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी इनकम क्या है. यानी अगर क्लास में बैठे हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली मैं उसके बारे में स्टडी ले रही हूँ, इंडिविजुअली उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ, तो ये इंडिविजुअल स्टूडेंट की स्टडी इस क्लास के नजरिए से किसका हिस्सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा बनेगा. और वहीं पर अगर हम इस पूरे क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करते हैं
तो जब हम सारे स्टूडेंट जैसे कि नीरज, राहुल, चंदन, सुमित, राहुल, अभिजीत, मुकेश, अगर हम आप सारे स्टूडेंट्स को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करते हैं, यानी अब की बार मैं कह रही हूं आप सबकी टोटल इनकम क्या है, आप सबकी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, आपकी टोटल नीड्स एंड वांट्स क्या है, तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस क्लास में अगर बैठे हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअल उसके बारे में जानकारी ली तो ये हमारे लिए किसकी स्टडी है, माइक्रो। अगर इस पूरे क्लास में आप सारे स्टूडेंट को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करिए, तब ये हमारे लिए किसकी स्टडी हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा नजरिया चेंज करते हैं, थोड़ा सा नजरिया चेंज करते हैं, और नजरिया चेंज करने के बाद बात करते हैं इस पूरी बिल्डिंग के बारे में। मान लो जैसे यहां पर से मैं आपको पढ़ा रही हूं, उस बिल्डिंग में बहुत सारे क्लासेस एक साथ चल रहे हैं, और अगर मैं आप सबके से एक क्वेश्चन पूछूं कि इस पूरे क्लास के नजरिए से या पूरे बिल्डिंग के नजरिए से अगर बिल्डिंग की हम एक इंडिविजुअल क्लास को लेकर बात कर रहे हैं, तो पूरे बिल्डिंग के नजरिए से ये जो एक इंडिविजुअल क्लास की स्टडी है वो किसका हिस्सा बनेगी, वो बनेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा। और वहीं पर अगर हम इस पूरे बिल्डिंग में सारे क्लासेस को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात करते हैं, तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। यानी अगर आपने नोटिस किया तो मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर पूरे क्लास के नजरिए से एक स्टूडेंट की स्टडी माइक्रो थी, लेकिन पूरे सारे स्टूडेंट की स्टडी किसका हिस्सा थी, मैक्रो की। लेकिन वहीं पर अगर हम एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो एक क्लास की स्टडी माइक्रो है, लेकिन पूरी बिल्डिंग की स्टडी क्या है, मैक्रो। यानी हमने ये बात समझ ली कि अगर हम नजरिया बदलते हैं, अगर हम अप्रोच बदलते हैं, तो माइक्रो और मैक्रो के एग्जाम्पल्स भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन हर एक नजरिए में, हर एक अप्रोच में हमेशा याद रखिएगा, हम दो वर्ड्स को कॉमन रखते हैं, हर एक नजरिए, हर एक अप्रोच में हमेशा हम दो वर्ड्स को कॉमन रखते हैं। एक जगह हम कहते हैं इंडिविजुअल और एक जगह हम कहते हैं होल, यानी सम। और यही बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो में, इंडिविजुअल एंड होल। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पर हम हमेशा नजरिया लेते हैं राष्ट्र का, यानी नेशन के नजरिए से क्या है हमारे लिए माइक्रो, और नेशन के नजरिए से क्या है हमारे लिए मैक्रो। तो नेशन यानी राष्ट्र के नजरिए से अगर राष्ट्र की कोई भी इंडिविजुअल यूनिट को लेकर बात करी जाए, तो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अप्रोच माने होता है नजरिया। अगर पूरे राष्ट्र के नजरिए से हम बात करें तो पूरे राष्ट्र के नजरिए से राष्ट्र की कोई एक यूनिट, यानी प्रत्येक व्यक्तिगत की अगर स्टडी ले रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्तिगत की स्टडी लेना हमारे लिए किसकी स्टडी बनेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और वहीं पर अगर हम पूरे क्लास में सारे स्टूडेंट्स को या पूरे नेशन को एज अ सम, एज अ होल, यानी कुल लेकर बात करते हैं, तब वो जो स्टडी है वो हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी आपने क्या पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी राष्ट्र के नजरिए से राष्ट्र की प्रत्येक व्यक्तिगत की पढ़ाई माइक्रो बनेगी। पूरे राष्ट्र के नजरिए से अगर राष्ट्र को कुल यानी सम लेकर बात करी जाए तो वो किसकी स्टडी बनेगी, मैक्रो की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आप सबके क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय।
तो चलिए मुझे बताइए, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय हमारे लिए माइक्रो का हिस्सा बनेगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा? यानी अगर हम नेशनल इनकम की स्टडी ले रहे हैं तो वो माइक्रो में पढ़ा जाएगा या मैक्रो में, यानी व्यष्टि में पढ़ा जाएगा या समष्टि में पढ़ा जाएगा? तो ध्यान से देखिए, हमने टॉपिक क्या बोला, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्र को क्या लिया गया, होल यानी सम, और इसीलिए फिर वो हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है? तो अब दूसरा डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा हमेशा इन सब्जेक्ट्स के कुछ मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट यानी प्रमुख निर्धारक हमेशा इन सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, कुछ मेजर डिटर्मिनेंट। मेजर डिटर्मिनेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रमुख, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रमुख निर्धारक। ओके, अब प्रमुख निर्धारक मतलब क्या होता है, प्रमुख निर्धारक यानी ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स माइक्रो से पढ़ेंगे या ज्यादातर हम जितने भी टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे वो डील करेंगे, यानी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंधित होंगे उसके मेजर डिटरमिनेंट यानी प्रमुख निर्धारक से। और हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे मैक्रो में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे उसके मेजर डिटरमिनेंट से, यानी उसके प्रमुख निर्धारक से। और कभी भी पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटरमिनेंट यानी प्रमुख निर्धारक क्या है, तो इसे हम कहते हैं प्राइस यानी कीमत। यानी इसका मतलब ये है कि हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स माइक्रो में पढ़ेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे प्राइसेस यानी कीमतों से। और वहीं पर हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स मैक्रो में पढ़ेंगे उसका मेजर डिटरमिनेंट है इनकम यानी आय। यानी हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे मैक्रो यानी समष्टि में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे इनकम से यानी आय से। क्लियर है सबको? यानी पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक क्या है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख निर्धारक क्या है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख निर्धारक क्या है, प्राइस। पूछा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक क्या है, यानी समष्टि का प्रमुख निर्धारक क्या है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम यानी आय। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, याद रखिएगा इनके भी पढ़ने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, इनके भी पढ़ने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि है तो ये भी इकोनॉमिक्स, है तो ये भी अर्थशास्त्र। देखो तो अर्थशास्त्र को ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी है तो ये भी इकोनॉमिक्स, यानी इनका भी बेसिक डिमांड एंड सप्लाई ही प्रिंसिपल होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर व्यष्टि है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, और वहीं पर अगर मैक्रो है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कुल मांग और कुल पूर्ति। समझ में आ गया? यानी डिमांड एंड सप्लाई है तो इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो है, और टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई हमारे लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये आप सबके लिए बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का। हम कोई भी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट है क्या। तो यहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स क्या है, फिर मैंने आपको बताया माइक्रो क्या है, और फिर मैंने आपको बताया मैक्रो क्या है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें जो हम यहीं पर डिस्कस कर ले और मैं आप सबको बता दूं। अभी हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी। चलिए मुझे बताइए, अभी हमने क्या कहा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं।
तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिए कौन है? एडम स्मिथ. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बुक लिख कर दी थी जिस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन था. ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ. लेकिन अब कभी भी पूछा जाए आप सबसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ माइक्रो या फादर ऑफ मैक्रो कौन है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को ही मानते हैं. एडम स्मिथ होल इकोनॉमिक्स के भी फादर है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर है. ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एक इकोनॉमिस्ट को मानते हैं जिनका नाम है जेम कीन्स, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स. यानी कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा तीन चीज है, तीन क्वेश्चन यहां से बन गए. फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ. फादर ऑफ माइक्रो कौन है? एडम स्मिथ. फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो जेम कीन्स, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स. और आखिरी में एक पॉइंट याद रखिएगा, हमारे इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को 1933 में बांटा गया और 1933 में सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था रैगनर फ्रिश. ठीक है, तो याद रखिएगा चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से. चार चीज, सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा था? तो सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को दो भागों में 1933 में बांटा गया और किसने बांटा था? रैगनर फ्रिश ने बांटा था. समझ में आया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फादर ऑफ ए होल इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ है. पूछा जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो कौन है? एडम स्मिथ. फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर यानी समष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन है? जेम कीन्स, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स. क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये था बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का. अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो और मैक्रो क्या है. क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? अब मैं पढ़ा रही थी बहुत देर से, तो मैं ये देख रही थी कि आप सारे के सारे पढ़ने में कम और कमेंट्स करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे. मैम ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या, मैम ये बताओ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, या मैम ये बताओ कि क्या है. तो एक बात ध्यान से सुनिए, लाइव क्लास पढ़ने का, मे भी शायद आप में से बहुत लोगों की ये पहली लाइव क्लास है, तो याद रखिएगा लाइव क्लास पढ़ने का तरीका ये है कि आप सब टीचर के ऊपर छोड़ दो. मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हो या क्या सोच रहे हो, उसे कमेंट पे लिखने की जरूरत नहीं है. एक्सपीरियंस है तो पता है कि आप क्या पूछोगे और हमें आपको क्या पढ़ाना है. तो अगर आप कमेंट करने पे कम और सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि लाइव क्लासेस में कमेंट करने में कम और सिर्फ पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना. और दूसरी बात जो मैं आप सबको बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बिल्कुल लाइव चल रहा है. मैं आप सबके कमेंट्स लाइव देख रही हूँ. गौतम है, वैष्णवी जी हैं, भरत, ललित, सार्थक, अविनाश, लोकेश, इंद्रवती, दीपेश, ठीक है, मैं सबके कमेंट यहाँ पर लाइव देख पा रही हूँ. लेकिन मैं हर एक कमेंट का ना जवाब दे सकती हूँ और ना ही मैं हर एक कमेंट को समझ सकती हूँ. और इसीलिए आपके कमेंट करना बेकार जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. हम इंट्रैक्शन करेंगे लेकिन लास्ट क्लास, लास्ट मिनट्स पे, जब क्लास खत्म होने वाली होगी 10 मिनट पे मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्लास है आप सबकी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, कमेंट कम करिए, सुनने और समझने में ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी. क्योंकि इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा. क्लियर है सबको? तो यहां पर मैं चाहती हूं कि आप सब के सब ये चीज को एक बार नोट करें तो मैं आगे बढ़ूं. मेरी क्लास में आप हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करिए. मेरे क्लास में आप हमेशा पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे. मैं जितना भी यहां पर पढ़ाऊंगी या बोर्ड में लिखूंगी वो साथ ही साथ आपको नोट करना है.
मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन पढ़ने का अच्छा तरीका ये भी है कि आप जैसे जैसे मुझे सुनते जाएं, आप उसके नोट अपनी लैंग्वेज में साथ साथ बनाते भी जाएं, ठीक है? तो चलिए आप ये यहाँ पर क्लास में इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूं, नोट करिए और फिर उसके बाद हम यहां पर इसके आगे बढ़ते हैं।1933 में अर्थशास्त्र को रागनर फ्रिश ने दो भागों में बांटा था, एक था माइक्रो और दूसरा था मैक्रो। ओके, तो मेरे हिसाब से आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी। ओके, तो ये था आप सबके लिए एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबके लिए। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, डे वन है। आज की क्लास हम इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी टॉपिक को क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्लास में स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज बजट। आज की क्लास बजट पढ़ी जाएगी। ओके, बजट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब तक हमने बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया ना, बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसको हम कहेंगे बजट, ठीक है? अब ध्यान से इस वर्ड को आप सब देखिए, बजट वर्ड, अगर ध्यान से देखें बजट शब्द का मतलब क्या है ये तो आप सब जानते हैं। व्हाट इज बजट, बजट मतलब क्या होता है ये तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप अक्सर ये नोटिस करिए, अक्सर आप सब ये नोटिस करिए कि बजट जब कभी भी कोई भी प्रेजेंट करने आता है, हमारे इंडिया में हर साल बजट प्रेजेंट करने की प्रथा है, और इस प्रथा में, इस ट्रेडिशन पर हमने ये भी नोटिस किया है कि हम जब कभी भी बजट को प्रेजेंट करते हैं, हमेशा नोटिस करिए बजट को प्रेजेंट करने के लिए एक, हमेशा बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे एक लेदर बैग में डालकर लाया जाता है।
हमेशा नोटिस करिएगा, कोई भी बजट प्रेजेंट करने आए, बजट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स को हमेशा एक लेदर बैग में डालकर लाया जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी कहानी छोड़ते हुए हम सिर्फ इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है, बजट को एक लेदर बैग में डालकर लाने की वजह क्या है। अच्छा, अक्सर जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि बजट को लेदर बैग में डालकर क्यों लाया जाता है, तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे आंसर सुनने को मिलते हैं। जैसे कि पहला आंसर हमेशा वो मुझे सुनने को मिलता है कि मैम बजट को लेदर बैग में डालकर इसलिए लाया जाता है क्योंकि हमें बजट को वाटरप्रूफ बनाना है, यानी पानी से बचाने के लिए हम उसको लेदर बैग में डालकर लाते हैं। अरे चलो ठीक है, पानी से बचाना बड़ा जरूरी है, लेकिन पानी से बचाने के लिए लेदर बैग का इस्तेमाल करना तो कोई जरूरी नहीं है भाई। काली पॉलिथीन में डालकर लिया हो तब भी तो बजट वाटरप्रूफ रहेगा ना। तो फिर आप लोग कहते हो कि मैम आप कैसी बातें करते हो, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हाथ में पन्नी में बजट लेकर आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। और इसीलिए लेदर बैग महंगा और सोफेस्टिकेटेड तरीका, कुछ लोग हमेशा ऐसा आंसर देते हैं। या फिर अक्सर आंसर दिया जाता है कि मैम बजट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, यानी छिपाने के लिए हम लेदर बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आप सब ये बात जानते हो कि बजट को तो हम ला ही इसलिए रहे हैं ताकि दुनिया भर को बोलकर सुना सके कि हमने क्या बजट निकाला, यानी 2 मिनट के लिए उसे हम लेदर बैग में डालकर किससे कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। यानी ऐसा कोई भी लॉजिक सही नहीं है कि बजट को हमें वाटरप्रूफ बनाना है, यानी लोगों से छुपाना है या पानी से बचाना है और इसीलिए हम लेदर बैग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बजट के पीछे हमने ये एक ट्रेडिशन जोड़ी है लेदर बैग की। अच्छा, बजट के पीछे हमने ये लेदर बैग का ट्रेडिशन आखिरकार क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये जो इंग्लिश का वर्ड है बजट, ध्यान से सुनिए, ये पहला फैक्ट है, ये जो इंग्लिश का वर्ड है बजट, इस बजट वर्ड का बैकग्राउंड हमने लिया है एक फ्रेंच वर्ड से, और फ्रेंच में एक वर्ड है बॉगेट जिसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है वर्ड बजट में। फ्रेंच में एक वर्ड है बॉगेट जिसे हमने इंग्लिश में वर्ड में कन्वर्ट किया है बजट, और फ्रेंच में बॉगेट का मीन्स होता है लेदर बैग। और क्योंकि बजट वर्ड का खुद का मतलब एक लेदर बैग होता है, और इसीलिए हमने इसके साथ एक ये ट्रेडिशन जोड़ दिया है कि हम जब कभी भी बजट को प्रेजेंट करेंगे हमेशा उसे एक लेदर बैग में डालकर प्रेजेंट करेंगे। ये पहला फैक्ट है जो हमारा बजट से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। दूसरा फैक्ट वो ये कि हमारे इंडिया, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली बजट शब्द का इस्तेमाल है ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमने बजट शब्द की जगह वर्ड इस्तेमाल किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जहां जहां वर्ड बजट इस्तेमाल है, बजट शब्द की जगह हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी हम याद रखेंगे कि आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में बजट शब्द की जगह ऑफिशियली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका हिंदी में हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसीलिए हम ऑफिशियली बजट शब्द की जगह ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फैक्ट जो हमारे बजट के साथ जुड़ा है, हमारे इंडिया का ओवरऑल, हमारे इंडिया का सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया था 18 फरवरी 1869। ओवरऑल इंडिया में सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1869 पर लाया गया था, और इस टाइम इसे लाए थे जेम्स विल्सन, इंडिया का सबसे पहला बजट।
फर्स्ट वेरी फर्स्ट बजट, सबसे पहला बजट इंडिया का जेम विल्सन लेकर आए थे 18 फरवरी 1869 पर। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजाद होने के बाद, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद इंडिया का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 को अनाउंस किया गया। और इस बार ये बजट अनाउंस किया आर के शनमुखाम चेट्टी ने। आर के शनमुखाम चेट्टी ने इंडिया का सबसे पहला यूनियन बजट ऑन 26 नवंबर 1947 अनाउंस किया। यानी ओवरऑल इंडिया का सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1869 पर जेम्स विल्सन लेकर आए थे, लेकिन भारत आजाद होने के बाद इंडिया का सबसे पहला बजट 26 नवंबर 1947 पर आर के शनमुखाम चेट्टी लेकर आए थे। अब इन सब चीजों के बारे में बात करने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं आखिरकार बजट का मतलब क्या है, व्हाट इज बजट। तो बजट मींस सिंपली एक कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं, बजट। याद रखिएगा, बजट कभी भी किसी भी डेट किसी भी मंथ पर अनाउंस हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। बजट जब कभी भी अनाउंस होगा हमेशा वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए ही अनाउंस होगा, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ही अनाउंस होगा। यानी आने वाले वित्तीय वर्ष का सरकार की अनुमानित क्या आय है और सरकार की क्या अनुमानित खर्चे है, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा इस साल हमारे इंडिया का बजट कब अनाउंस हो गया, 1 फरवरी में अनाउंस हो गया। हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने बजट में देखा कि टैक्सेस में चेंज हुआ, सब्सिडीज में चेंज हुआ। तो ये क्या सारी चीजें इंडिया में 1 फरवरी से लागू होना शुरू हो गई? नहीं, इंडिया में बजट सिर्फ अनाउंस किया गया फरवरी में। लेकिन पूछा जाए किस समय के लिए अनाउंस किया गया, तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च का बजट अनाउंस किया गया। यानी बजट जब कभी भी अनाउंस होता है वो एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनाउंस होता है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च का बजट आने वाले समय पर ही अनाउंस होगा, यानी 1 फरवरी में अनाउंस होगा। और इसीलिए बजट समझ में आ रहा है आने वाले समय का, यानी कमिंग फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, इसके बैलेंस को हम क्या कह रहे हैं, बजट कहते हैं। और इसीलिए हम पूरे क्लास में अपने बजट के टॉपिक, पूरे क्लास में हम अपने बजट के टॉपिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले। एक होगा हमारे लिए एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे, और एक होगा इनकम यानी सरकार की आय। हम पूरे क्लास में अपने बजट के टॉपिक को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारे लिए इनकम यानी सरकार की आय, और दूसरे होगा एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे वर्ड इनकम से, एक्सपेंडिचर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने यहां पर क्या पढ़ा, अब तक यहां पर ध्यान से देखिए हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बजट का टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि बजट को हमने एक फ्रेंच भाषा बॉगेट से लिया गया है। फ्रेंच में बॉगेट का मींस होता है लेदर बैग, और इसीलिए बजट के साथ एक ट्रेडिशन जोड़ा गया है कि हम जब कभी को बजट को प्रेजेंट करेंगे हमेशा उसे एक लेदर बैग में डालकर प्रेजेंट करेंगे। दूसरा फैक्ट, हमारे इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में एक्चुअली बजट शब्द कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमने बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया है। तीसरा फैक्ट, हमारे इंडिया का सबसे पहला
द वेरी फर्स्ट बजट, सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया 18 फरवरी 1869 पर, और ये बजट अनाउंस किया जेम्स विल्सन ने। सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1869 किसने अनाउंस किया गया? जेम्स विल्सन ने अनाउंस किया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद सबसे पहला बजट अनाउंस किया गया 26 नवंबर 1947 में। यह बजट अनाउंस किया आर के शनमुखम चेट्टी ने। अब बात करते हैं व्हाट इज बजट। तो बजट मीन्स सिंपली ए कमिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्चे, इसके बैलेंस को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्लियर है सबको? और इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड इनकम, यानी आय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सब ये बात जानते हो, इनकम यानी सरकार की आय। आप जानते हो सरकार की कमाई का जरिया बहुत ज्यादा ब्रॉड है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे सरकार कहां कहां से कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार कमा रही है टैक्सेस से, सरकार कमा रही है सारे मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे रेलवे, डीटीसी, मेट्रो, एयरलाइन सरकार की कमाई का जरिया। सरकार इसके अलावा कमा रही है सारे इंटरेस्ट, ब्याज से, फीस से, फाइन से, हमारे ऊपर आए दिन चालान वगैरह इम्पोज करती है, ये सब सरकार की क्या है? कमाई है। यानी सरकार की कमाई, याद रखिएगा, कभी भी टैक्सेस तक लिमिटेड नहीं होती। टैक्सेस तो है, लेकिन टैक्सेस के अलावा सरकार की कमाई का जरिया बहुत बड़ा है, यानी बहुत ब्रॉड है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि मैम, इन सारी कमाई पर, इन सारे सोर्स ऑफ इनकम पर मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्सेस ही होता है। लेकिन सिर्फ टैक्सेस तो नहीं है, सरकार की कमाई का जरिया क्या है? बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द इनकम कि सरकार किस तरीके की इनकम कमा रही है, सरकार की इनकम को हम दो पार्ट्स में या दो नेचर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सरकार की इनकम को हम ब्रॉडली दो नेचर में बांट कर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम, हिंदी में राजस्व आय, और एक को हम कहते हैं कैपिटल इनकम, हिंदी में इसे हम कहते हैं पूंजी आय। सरकार की कमाई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनकम, सरकार की कमाई नेचर के अकॉर्डिंग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हमने कहा रेवेन्यू यानी राजस्व, और एक को हमने कहा है कैपिटल यानी पूंजी आय। अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या होता है रेवेन्यू और क्या होता है कैपिटल इनकम? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर हमें काफी कंफ्यूजन होती है। तो सिंपल भाषा में कैपिटल इनकम यानी पूंजी आय, यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई, पूंजी आय यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई जो सरकार के सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ा दे, या फिर सरकार की एसेट उसके पास से कम कर दे, ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। यानी व्हाट इज कैपिटल इनकम? कैपिटल इनकम आखिरकार क्या होती है? तो कैपिटल इनकम यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई जो दो में से कोई एक काम करे। देखो, दोनों काम होने जरूरी नहीं है, दो में से कोई एक काम करे तो वो चीज हमारे लिए कौन सी इनकम होगी? कैपिटल इनकम। और दो में से कौन से एक काम? या तो फिर वो सरकार के सर पर कर्जा यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ा दे, या फिर सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियां उसके पास से कम कर दे, तो ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम यानी पूंजी आय कहेंगे। तो फिर रेवेन्यू इनकम क्या है? रेवेन्यू इनकम यानी सरकार की कोई भी ऐसी कमाई जो ना कोई कर्जा बढ़ाए और ना कोई एसेट कम करे, तो ऐसी इनकम को हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा,
एसेट यानी परिसंपत्तियां, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको बाजार पर बेचकर पैसा कमाया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? सरकार के कर्जे बढ़ाने वाली इनकम या सरकार की एसेट्स कम करने वाली इनकम को हम कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज तो दिमाग से, बिल्कुल दिमाग से ये बात बिल्कुल हटा दीजिएगा कि रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ साथ अपने मन में रिपीट करो, मैंने क्या कहा, कर्जे बढ़े तो कैपिटल इनकम, नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम। कर्जे कम होने की बात तो मैंने कहीं नहीं करी, मैंने सिंपल भाषा में कहा कर्जे बढ़ जाए तो कैपिटल इनकम, नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम, ठीक है। या फिर कहा जाए अगर एसेट्स कम हो जाए तो कैपिटल इनकम, और अगर एसेट्स कम नहीं हो तो वो हमारे लिए कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो अब यहां पर याद रखिएगा कि रेवेन्यू और कैपिटल इनकम एक दूसरे का अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इनकम यानी आय का अपोजिट होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, यानी यहां का अपोजिट यहां पर जाएगा, यहां का अपोजिट यहां पर नहीं आएगा। अच्छा, ये मैं आपको समझाने क्या चाह रही हूं, ये मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मेरी बात करो, ध्यान से सोचिएगा, फॉर एग्जांपल मेरी बात करिए और हम बात करते हैं अमरजीत जी की। वो कह रहे हैं मैम वॉइस कट रही है, अब उनको बिल्कुल सही वॉइस आएगी। अमरजीत जी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी और आपकी बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमरजीत से 1 लाख रुपए का लोन लिया और अमरजीत जी बहुत बड़े दिल वाले थे, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे भी दिया, ठीक है। तो मेरे पास 1 लाख रुपए आया ना, यानी मेरे इनकम हुई, मेरे पास 1 लाख रुपए आया यानी मेरी क्या हुई? इनकम हुई। तो अगर मैं पूछूं जो मैंने अमरजीत से 1 लाख रुपए लोन के फॉर्म पर मांगा था वो आप रेवेन्यू में लिखोगे या कैपिटल इनकम में लिखोगे? तो वो कैपिटल इनकम में आएगा। वो किस इनकम में आएगा? कैपिटल इनकम। क्यों आएगा कैपिटल इनकम में? क्योंकि आप कहोगे मैम जो आपने 1 लाख रुपए अमरजीत जी से लिए हैं ये आपने कर्ज के फॉर्म पर लिए हैं, यानी ये पैसा आपका खुद का तो है नहीं, आपको फ्यूचर में क्या करना है? लौटाना है। और इसीलिए ये जो पैसा आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है ये आपके सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी पैसों का कर्जा बढ़ा रहा है। और आप ही ने कहा मैम ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा बढ़ाए यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ाए वो आपके लिए कैपिटल इनकम होगी। तो ये वाली इनकम हमारे लिए कौन सी इनकम हुई? कैपिटल इनकम होगी। क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अमरजीत को या उनका घर डेकोरेट किया, ध्यान से सुनिए, मैंने अमरजीत का घर डेकोरेट किया और उसके बदले में अमरजीत ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, यानी मैंने अमरजीत को एक सर्विस दी। क्या सर्विस दी? उनका घर डेकोरेट किया और इसके बदले में उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया, तो ये भी तो मेरी इनकम हुई, आय तो हुई। अच्छा, अब की बार मैं पूछूं कि ये जो 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है ये आप रेवेन्यू में लिखोगे या कैपिटल में लिखोगे? तो ये जो 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है ये ध्यान से सोचिए तो ये हमारे लिए रेवेन्यू यानी राजस्व आय होगी। अच्छा, क्यों होगी राजस्व आय? क्योंकि अब की बार आप क्या कहोगे मैम, अब की बार आपने अमरजीत से लोन नहीं मांगा, अब की बार तो आपने उनको सर्विस देकर कमाया, और ये जो सर्विस देकर आपके पास इनकम आ रही है ये आपके सर पर कर्जा तो नहीं बढ़ाएगी, यानी ये पैसा तो आपका है, आपको वापस तो करना नहीं है।
तो आप ही ने कहा मैम ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा नहीं बढ़ाए वो रेवेन्यू होती है। तो जब आपने अमरजीत का घर डेकोरेट किया जिसके बदले में उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दिया, तो ये 1 लाख रुपए आपके लिए रेवेन्यू यानी राजस्व आय बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इस पैसों से आपके सर पर मैम कर्जा नहीं बढ़ रहा। समझ में आया? यानी मैंने जब लोन लिया था, मेरे पास कर्जा आया था, मेरे सर पर कर्जा बढ़ा था। और ऐसी इनकम जो कर्जा बढ़ाए कैपिटल इनकम में शामिल होती है, जैसे कि लोन मांगना। मैंने सर्विस देकर कमाया, मैंने क्या किया? सर्विस देकर कमाया, ठीक है। जब सर्विस देकर मैंने कमाया तो ये तो वो इनकम थी ना जो मेरे सर पर कर्जा नहीं बढ़ा रही थी। ये कौन सी इनकम थी जो मेरे सर पर कर्जा नहीं बढ़ा रही थी? और ऐसी इनकम जो सर पर कर्जा नहीं बढ़ाए वो हमारे लिए किसमें शामिल होगी? रेवेन्यू इनकम में शामिल होगी। क्लियर? डन? मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। अच्छा, आप एक बार सोचो, मैं बिल्कुल ध्यान से एक क्वेश्चन सोच रही हूं। मान लो मुझे अपने सर से कर्जा कम करना है। मान लीजिए मुझे अपने सर से कर्जा क्या करना है? कम करना है। मैंने अमरजीत जी से 1 लाख रुपए का लोन लिया था, अब मुझे अपने सर से कर्जा क्या करना है? कम। ध्यान से सोचो सब के सब, आप सब लोग ध्यान से सोचो, जब मैम अपने सर से कर्जा कम करेंगी तो मैम की जेब से पैसा जाएगा या मैम की जेब में पैसा आएगा? याद से सुनो, मैम जब अपने सर से कर्जा कम करेंगी तो मैम की जेब से पैसा जाएगा या आएगा? तो मैम की जेब से पैसा जाएगा, यानी मैम के कर्जे कम करने के लिए मैम को उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा, यानी उनके जेब से पैसा जाएगा। जाएगा यानी क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। और इसीलिए पूछा जाए सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं, तो कर्जे कम होना इनकम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्जे कम करने के लिए तो जेब से पैसा जाएगा, और जाएगा यानी क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो कर्जे कम हुआ तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, कर्जे बढ़ने पर जेब में पैसा आता है तो कर्जा बढ़ना क्या है? इनकम। वाकई बढ़ जाए तो कैपिटल इनकम, और कर्जा नहीं बढ़े तो रेवेन्यू इनकम। जैसे कि मैंने लोन मांगा, बोरोइंग्स ऑफ लोन हमारे लिए कैपिटल इनकम है। मैंने सर्विस देकर कमाया, हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है। और मैंने लोन को वापस किया, रिपेमेंट किया, तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है। क्लियर है? मुझे समझ में आ गया, आप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट। अब सेम चीज सोचो एक बार ऐसी, अमरजीत जी का बहुत देर से कमेंट नहीं आया, अब ध्यान से सुनो। मान लो अब की बार मैं मोनिका यहां पर एक स्टूडेंट है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने मोनिका को अपनी कोई गोल्ड की ज्वेलरी बेची और बदले में मोनिका ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। ध्यान से सोचिए, मैंने मोनिका को 1 लाख रुपए दिए और मैंने मोनिका को गोल्ड बेचा, अपना गोल्ड बेचा, और मोनिका ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। ये भी तो मेरी इनकम हुई ना। इस केस पर जो मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहा है, जो मैंने मोनिका को एक अपना गोल्ड बेचा और बदले में मोनिका ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, ये 1 लाख रुपए मेरे लिए रेवेन्यू में लिखा जाएगा या कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा? तो ये जो 1 लाख रुपए है वो मेरे लिए कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा। ये जो 1 लाख रुपए है वो मेरे लिए किस में लिखा जाएगा? कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा कैपिटल इनकम में? वो इस वजह से लिखा जाएगा कैपिटल इनकम में क्योंकि अब की बार मैंने मोनिका को गोल्ड बेचा, जिसकी वजह से मेरी परिसंपत्तियां कम हो रही हैं। गोल्ड मेरी क्या है? एसेट है, परिसंपत्तियां, क्योंकि गोल्ड को फ्यूचर में बेचकर पैसा कमा सकती हूं ना। तो मैंने उसको गोल्ड दिया,
यानी मेरी एसेट कम हुई बदले में मुझे पैसा मिला, तो ये पैसा किसमें शामिल हुआ? कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि इसमें एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। इसमें एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर है? अच्छा, खुद ध्यान से सोचो, खुद ध्यान से सोचो, मुझे एसेट बढ़ाने हैं। मान लो मुझे एसेट्स क्या करने हैं? बढ़ाने हैं। मुझे एसेट बढ़ाने के लिए मुझे अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? ध्यान से सोचो, अगर मुझे अपने एसेट, मेरी परिसंपत्तियां बढ़ानी है, तो मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा या मेरी जेब में पैसा आएगा? तो याद रखिएगा, मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, मैं खर्चा करूंगी। और इसीलिए कभी भी पूछा जाए सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं, सरकार की एसेट्स बढ़ रही हैं, तो एसेट बढ़ना सरकार के इनकम का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट बढ़ने के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, और इसीलिए एसेट बढ़ना एक्सपेंडिचर है, कम होना कैपिटल इनकम है, और अगर कम नहीं होगा तो कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम होगी। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए, देखो भाई, आप सब अगर जरा सा भी इसको रटने की कोशिश करोगे तो रटने में हमेशा भूलोगे। मैं बता रही हूं, अगर आपने रटा तो रटने में आप इसको भूलोगे, और इसीलिए रटनो नहीं, सिर्फ याद करने यानी इसको समझने की कोशिश करो। दो ही चीज है, कर्जे और एसेट, पैसों का कर्जा और परिसंपत्ति। कर्जे और एसेट दो चीज है। ध्यान से सोचो, कर्जे बढ़ेंगे तो मेरी जेब में पैसा आएगा या जाएगा? सिर्फ ऐसे सोचो, कर्जे बढ़ेंगे तो मेरी जेब में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कर्जे बढ़ेंगे यानी मैंने किसी से मांगा, तो कर्जे बढ़ना इनकम है, आय, और कर्जे कम होना क्या है? एक्सपेंडिचर। एसेट सोचो, एसेट बढ़ेंगी तो जेब से पैसा जाएगा या जेब में पैसा आएगा? तो एसेट बढ़ने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा यानी जेब से पैसा जाएगा यानी एक्सपेंडिचर, यानी एसेट बढ़ना खर्चा है और एसेट्स कम हो रही है यानी पक्की बात है बेच दी गई होंगी, और बेच दी गई होंगी यानी बदले में मुझे क्या मिला होगा? पैसा। तो एसेट कम होना क्या है? इनकम है। तो इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए, यानी या तो कर्जे बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए, दोनों काम नहीं हो, दोनों में से कोई एक काम हो जाए तो वो हमारे लिए कैपिटल इनकम है। कर्जे बढ़े भी नहीं, एसेट कम भी ना हो, यानी दोनों में से कोई काम ना हो, तो रेवेन्यू यानी राजस्व आए हैं। और अगर इसका जस्ट अपोजिट है तो वो हमारे लिए किसमें लिखा जाएगा? एक्सपेंडिचर यानी खर्चों में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो अब कुछ एग्जाम्पल जो है सरकार के नजरिए से करते हैं, ठीक है? सरकार के नजरिए से पढ़ते हैं, सरकार के कुछ क्वेश्चंस मेन डिस्कस करते हैं और देखते हैं रेवेन्यू या कैपिटल, ठीक है? चलो, अपने मन पर कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? अपने मन पर देना स्टार्ट करिए आंसर। अगर मैं पूछ रही हूं, मान लीजिए सरकार की एक बिल्डिंग है, अपने मन पर आंसर दीजिएगा, प्लीज कमेंट मत करिएगा, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, ठीक है? तो अपने मन पर आंसर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि मैं, आपने सही बोला या गलत, ठीक है? सरकार की मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, और सरकार ने उस बिल्डिंग को दे दिया रेंट पर, और उससे हर महीना सरकार को रेंट मिल रहा है, तो रेंट तो सरकार की इनकम है ना, यानी आय है, तो रेंट रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? भाई, रेंट सरकार ने कमाई करी, तो रेंट सरकार के लिए रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? तो ध्यान से सोचिए, रेंट, क्या रेंट सरकार के कोई एसेट कम कर रहा है? नहीं भाई, बिल्डिंग तो है अभी भी सरकार की, सरकार ने बेची तो है नहीं, तो यानी रेंट एसेट तो कम नहीं कर रहा। क्या रेंट कोई कर्जा है जो सरकार को वापस करना है? नहीं।
तो यानी रेंट से एसेट कम भी नहीं हो रही और कर्जा बढ़ भी नहीं रहा। तो रेंट जो सरकार का है वो किसमें शामिल हुआ? रेवेन्यू इनकम। रेंट किसमें शामिल हुआ? रेवेन्यू इनकम। अच्छा, अब अगर उसी बिल्डिंग को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अगर उसी बिल्डिंग को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और बदले में सरकार को पैसा मिला, अब ध्यान से सोचो, ये जो पैसा सरकार के पास आ रहा है इससे तो सरकार की एसेट क्या हो रही है? कम। तो ये वाली कमाई किसमें शामिल हुई? कैपिटल इनकम। यानी बिल्डिंग से रेंट आ रहा है तो रेवेन्यू, बिल्डिंग बेच कर पैसा आ रहा है तो किसमें शामिल हुआ? कैपिटल इनकम में शामिल हुआ। मोसिबुल जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत देर से ही आए हैं अब सबके सब, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरकार के एक कंपनी में शेयर है, फॉर एग्जाम्पल सरकार के एक कंपनी में शेयर है और शेयर के बदले सरकार को उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। सरकार के एक कंपनी में शेयर है और सरकार को उस शेयर के बदले उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है रेवेन्यू में शामिल होगा या कैपिटल इनकम में? तो ध्यान से देखिएगा कि भाई ये जो प्रॉफिट सरकार को मिल रहा है इससे सरकार के क्या शेयर कम हो रहे हैं? तो नहीं, शेयर तो कम नहीं हो रहे, यानी एसेट कम नहीं हो रहे और ना ही कर्जा बढ़ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो किसमें शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम पर। अगर उसी शेयर को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अगर उसी शेयर को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और बदले में सरकार को पैसा मिला, तो ये पैसा सरकार के लिए किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। ये पैसा किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि अब की बार सरकार ने एसेट बेचे ना, यानी एसेट कम हो गया, तो ये किसमें शामिल हुआ? कैपिटल इनकम, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, सरकार करों के फॉर्म पर इनकम जनरेट कर रहा है। टैक्सेस, ध्यान से सोचिए, क्या टैक्सेस सरकार के सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ा रहा है? तो नहीं, सरकार का तो कोई कर्जा नहीं बढ़ रहा। क्या टैक्सेस से कोई एसेट कम हो रहे हैं? नहीं, और इसीलिए टैक्सेस कर्जा भी नहीं बढ़ा रहा, एसेट्स भी कम नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए टैक्सेस कर किसमें शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम पे। सरकार ने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा, सरकार ने आरबीआई से लोन मांगा, सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, आरबीआई से मांगा हुआ पैसा जो लोन के फॉर्म पर है, ध्यान से सोचो तो सरकार के सर पर कर्जा क्या है? बढ़ रहा है, और इसीलिए आरबीआई से मांगा हुआ लोन सरकार के लिए किसमें शामिल होगा? कैपिटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल फीस, जो हम लोग सीजीएल का फॉर्म भरे और सरकार को फीस दे, तो फीस कर्जा भी नहीं बढ़ा रहा, एसेट्स भी कम नहीं हो रहा, तो किसमें शामिल होगा? रेवेन्यू इनकम पर। फाइन्स, हमारे ऊपर चालान इम्पोज करा, रेवेन्यू इनकम। सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन से लोन लिया, लोन लिया, कर्जे बढ़ गए, कैपिटल इनकम। सरकार ने अपनी बिल्डिंग बेचकर कमाया, कैपिटल इनकम। सरकार ने अपने पार्किंग का एरिया बेचकर कमाया, कैपिटल इनकम। तो याद रखिएगा, दो में से कोई एक क्वेश्चन आए शॉर्ट फॉर्म में, दो में से कोई एक क्वेश्चन आए, यानी पूछा जाए बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया, आगे क्या लिखा है कुछ मतलब मत रखिएगा, बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया, तो ये वाली इनकम किसमें शामिल होगी? कैपिटल इनकम में। क्यों? क्योंकि कर्जा बढ़ जाएगा। या फिर अगर पूछा जाए कि भाई सरकार की एसेट यानी डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों क्या होता है? विनिवेश करना। डिस इन्वेस्टमेंट यानी
विनिवेश करना, विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स को बेच कर इनकम जनरेट करना है। इन्वेस्टमेंट्स को बेच कर क्या करना है, इनकम जनरेट करना है। जैसे बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग बेच कर पैसा लेकर आना डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट, शेयर बेच कर पैसा लेकर आना डिसइन्वेस्टमेंट। कुछ भी पूछा जाए डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियों को कम कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट परिसंपत्तियां, विनिवेश परिसंपत्तियों को कम कर रहा है और इसीलिए इसको हमने किस में शामिल करा, कैपिटल इनकम। नहीं तो फिर जो कुछ भी पढ़ा बचा सब कुछ, टैक्सेस हो गया, फीस हो गया, फाइन्स हो गया, रेलवे हो गया, सब किस में शामिल होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी फिर किस में शामिल होगा, रेवेन्यू इनकम में शामिल होगा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहां तो दो चीज है, रेवेन्यू इनकम में फिर से बहुत सारी चीज है, तो रेवेन्यू इनकम को भी हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। रेवेन्यू इनकम भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को हम कहेंगे टैक्स और एक को हम कहेंगे नॉन टैक्स, यानी कर और गैर कर। अब देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई भी चीज का डिफरेंस यहां पर नहीं है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। रेवेन्यू इनकम में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आते हैं, टैक्सेस भी आता है, फीस भी आता है, फाइन्स भी आता है, रेलवे भी आता है, कमीशन भी आता है, सब कुछ आता है। तो याद रखिएगा, कोई नाम का अगर टैक्स है, कोई नाम का अगर टैक्स है, जैसे इनकम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कोई भी नाम का अगर टैक्स है तो उसे विद टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखना, और टैक्स के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे किसे लिखोगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। देखो बोला जी, ये ध्यान से सुनो, अभी हम सिर्फ इनकम पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर अभी हमने नहीं पढ़ा, एक्सपेंडिचर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अभी सिर्फ इनकम पढ़िए, ठीक है? तो यहां पर रेवेन्यू इनकम में बहुत सारी चीजें थी, रेवेन्यू इनकम में टैक्सेस भी था, रेवेन्यू इनकम में फीस भी था, फाइन्स भी था। तो अगर कोई नाम का टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कोई भी टैक्स है, तो उसे विद टैक्स में लिखना, टैक्स के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखेंगे। टैक्सेस के अलावा जो कुछ भी बच रहा है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखेंगे। नॉन टैक्स गैर कर, हमने ये नहीं कहा कि ऐसी चीज जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, ये नहीं कहा गया। मैंने कहा कोई भी चीज रेवेन्यू इनकम में टैक्स को छोड़कर जो कुछ भी बच रहा है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में लिखते हैं। क्लियर है? देन अगेन टैक्सेस आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी। फिर से करों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हिंदी में प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। भाई यहां तक हमने पढ़ा कि टैक्सेस अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, करों को भी हम दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे, एक को हम कहेंगे डायरेक्ट और दूसरे को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल बेवकूफी का आंसर है कि अगर कोई ऐसा कहे आपसे कि डायरेक्ट टैक्स मैम वो टैक्स होता है जो हम सीधा देते और इनडायरेक्ट वो होता है मैम जो हम सीधा नहीं देते, ये बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल बकवास आंसर है कि डायरेक्ट टैक्स सीधा जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स सीधा नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो क्या होता है प्रत्यक्ष कर? तो डायरेक्ट टैक्स यानी कोई भी ऐसा टैक्स
डायरेक्ट टैक्स यानी कोई भी ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स यानी कोई भी ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकता, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिंपल भाषा में, जिस पर लगाया जाए सिर्फ वही जिम्मेदार है मार्केट में टैक्स पे करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। यानी वो कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, जब व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो कर जिसको देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी वो टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए, अगर वो व्यक्ति अपने टैक्स को देने का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस क्या है कि प्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला नहीं जा सकता, अप्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि वो सीधा जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है। शैलेंद्र जी, इतनी बार कमेंट मत करो, बिल्कुल यूपीएसआई का हो जाएगा यहां पर सब कुछ। इतनी बार कमेंट मत करो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि मैं क्लास को रोक कर आपके कमेंट्स का ध्यान देना स्टार्ट करूं। एल्स अगर कोई बहुत ज्यादा कमेंट करेगा तो उसके कमेंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं और पढ़ाने पर मुझे सैलरी मिल रही है और सरकार ने कहा आपको इस सैलरी पर इनकम टैक्स पे करना है, यानी इनकम टैक्स लगाया किसके ऊपर गया? मेरे ऊपर गया। क्या इनकम टैक्स का बर्डन मैं किसी भी तरीके से आप सब पर ट्रांसफर कर सकती हूं? नहीं कर सकती, और इसीलिए इनकम टैक्स दूसरे पर शिफ्ट नहीं हो सकता, और इसीलिए इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की जिम्मेदारी सरकार कहता है हमने डाली है उस पर जो सर्विस दे रहा है, यानी वो इंडिविजुअल जो सर्विस दे रहा है उसे जीएसटी नाम का टैक्स सरकार को देना है। अब ध्यान से सोचो, जैसे हम रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है जीएसटी की, सरकार ने रेस्टोरेंट को कह रखा है कि उसे जीएसटी नाम का टैक्स सरकार को सबमिट करना है। लेकिन अब ध्यान से सोचो कि रेस्टोरेंट अपने बर्डन को शिफ्ट किस पर कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है अपने कस्टमर पर, बिल के साथ जीएसटी ले रहा है जो सरकार को सबमिट कर रहा है। जिम्मेदारी थी रेस्टोरेंट की, पे कौन कर रहा है? उपभोक्ता, कंज्यूमर अपनी जेब से कर रहा है, और इसीलिए जीएसटी ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए जीएसटी हमारे लिए कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी वो टैक्स हम जो जिस दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते वो डायरेक्ट, और वो जो किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है।
तो आई होप सो आप सबको यहां तक क्लियर होगा. देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक. मैंने बजट से रिलेटेड कुछ आपके सामने फैक्ट्स लिखे, उसके बाद मैंने ये चार्ट फ्लो बनाना स्टार्ट किया. जब बजट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इनकम और एक्सपेंडिचर, उसमें हम इनकम का पोर्शन को डिटेल से पढ़ रहे थे. इनकम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू और कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है, टैक्स और नॉन टैक्स, कर और गैर कर. टैक्सेस दो नेचर के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फाइनेंशियल लायबिलिटी, कर्जे, पैसों का कर्जा बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए तो कैपिटल इनकम. कर्जा नहीं बढ़े, एसेट कम नहीं हो तो रेवेन्यू इनकम यानी राजस्व आए. ठीक है, अब यहां पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. टैक्सेस दो नेचर के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. डायरेक्ट टैक्स जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं. समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम बस इतना ही रखेंगे, आज की क्लास तो हम इतना ही रखेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल कल यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कल यहीं से इसी से स्टार्ट करेंगे. और कल इंद्रवती जी और जो भी कह रहा है, एक और एग्जांपल दीजिए. कल से जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से, तो फिर से हम एक और एग्जांपल लेंगे और हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, एक और एग्जांपल हम कल से, क्योंकि कल हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, बजट एंड टैक्सेशन. हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन डिटेल पढ़ना है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन डिटेल हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स को पढ़ेंगे, दैट इज जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. क्लियर है? तो पहले इतना पूरा आप लोग नोट करो, सबके सब ये नोट करो जितना मैंने यहां पर लिखवाया है. सबके सब ये पूरा जो बोर्ड में चीजें हैं उन सबको नोट कर लो एक बार. मैं हट रही हूं, आप सब नोट करिए. कोई अच्छा बुक बता दीजिए. अभी सब कुछ बताया जाएगा, फिलहाल जो मैंने कहा है यहां पर जितनी चीजें लिखी है वो सारी चीजें नोट डाउन करिए, उसे नोट डाउन करिए जो कुछ भी लिखा गया है. तो आई थिंक सो आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी. ओके, नहीं सुधीर जी, जो मैंने लिखा वो बिल्कुल सही लिखा है, 1869 है, 59 नहीं है. अगर 69 लिखा है तो मिस प्रिंट है. ठीक है, तो चलो अब ध्यान से सुनो. ओके, आज की क्लास हम बस इतना ही रखने वाले. आज की क्लास आपकी डेमो क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी आपकी इकोनॉमिक्स की. हमने बजट पढ़ा, हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का लिया, साथ साथ फिर मैंने आपको ये बताया कि बजट क्या होता है. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे. और मेरा नाम आप सब जानते हो, मेरा नाम आफरीन है, और आज की क्लास से मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास कंटिन्यू करने वाली हूं. नोट्स आप सबको पीडीएफ वगैरह के नोट्स मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे प्रॉपर आप सबको आज की क्लास के, और वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे लेकिन एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, तो
आज की क्लास आई होप सो आप सबको अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए आपकी क्लास आज की कैसी रही, आपको सब समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, समझ में आया सारी चीजें? क्लास लोड मिल जाएगा बिल्कुल आकाश जी, इन्फ्लेशन वाला क्लास दोबारा से होगा, जरूर होगा। ओके, तो चलो आज की क्लास हमने बस इतना रखना है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। कल की क्लास मिलते हैं और कल की क्लास हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कल की क्लास हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और जिसमें जीएसटी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक के बाय एंड टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, बाय।